अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबको बहुत ही मज़ेदार सब्जियों का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बिरयानी को आप भूल ही जाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनता है रायता सलाद के साथ खाया जाए तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। इसके लिए हमें सब्जियां चाहिए। सब्जियां मैंने मटर ले लिए हैं, फ्रीज़ मटर थे मेरे पास पहले से निकाले हुए थे, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। साथ गाजरें, हरा लहसुन, आलू, आप और भी साथ जो मर्जी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने दरमियाने साइज़ के 3 प्याज लिए, ये एक ही प्याज में से 2 निकले, 3 प्याज लेके इनको कट कर लिया ब्रीक ब्रीक। फिर बाद में हमने ये गाजरें ली, इनको अच्छी तरह से धोया, छीला और इसको हमने ब्रीक ब्रीक कट कर लिया। कटिंग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जौन सा स्टाइल आप चाहते हैं, इसको चकोर काटें, इसको पीसेस में, छोटे पीसेस में काटें, ऐसे लंबाई में काटें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मुझे ये इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैंने इस लंबाई में काट लिए। फिर आलू को भी वॉश किया हमने, उसके बाद इसको छीला और इसको भी हमने, ये देखें इस तरह करके हमने छील लिया, ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई, इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से, कोई छोटे ब्रीक ब्रीक आलू कटिंग करता है, कोई बड़े ज़रा आलू कटिंग करता है, तो मैं ये चिप्स की फॉर्म है ना, राउंड राउंड इस तरह करके ना ये कटिंग की है। मुझे सब्जियां, जब सब्ज़ी के पुलाव बनाती हूँ तो फिर मुझे होता है कि सब्ज़ी नज़र आए, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग करेंगे तो वो मिक्स हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं लगती। अब ये मटर थे मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे, इन मटरों को सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बॉयल करूँगी, क्योंकि मटर बहुत जल्दी गलते नहीं हैं। मैं हल्का सा इसको ना सिर्फ बॉयल कर लूँगी ताकि जब मैं ये मसाला भूनूँ तो उसके अंदर हल्के से बॉयल मटर डाल दूँ तो जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद ये मैंने हरा लहसुन लिया, आजकल सीज़न है हरा लहसुन का, तो ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं, टमाटर लिया है, अदरक लिया, इन सब की हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये मैंने मिर्चें भी काट ली, टमाटर भी काट लिए, वो हरे लहसुन के पीछे से वो अलग से काट लिया, ये अदरक और लहसुन की आगे वाली जो रीजन सी है इसकी कटिंग कर ली। अब क्या करना है, अब मैंने ये देखिए ग्रीन जो सा पीछे से पार्ट होता है उसको अलग कर लिया है, तो ये लहसुन और अदरक का जो सा मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, ये मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया, इसको चॉप नहीं किया, चॉप में चंक्स आते हैं, ये मैंने पेस्ट बिल्कुल बना लिया पानी डाल के। ये चीज़ें अब हम अलग साइड पर रख देंगे। 1 kg मैंने राइस लिए हैं, ये देखें ये मैंने राइस लिए, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो लिया। आपने जब मसाला वगैरह भुनना स्टार्ट करना है तो तब आप चावल भिगो दें ताकि वो तब तक अच्छी तरह से सोख हो जाए इसमें। अब मैंने ये प्याज फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मैं हिलाती जाऊंगी और इसको ब्राउन होने का इंतज़ार करूंगी। ये आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, ये प्याज जो सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, ये ऐसा सा गोल्डन ब्राउन होता जाएगा, इसका कलर चेंज होता जाएगा, जितना इसका कलर चेंज होगा उतना ही अच्छा चावलों पे भी कलर आएगा। आपने जल्दी ज़रा गोल्डन ब्राउन करना है तो इसमें एक चुटकी नमक डाल दें ऐसे फ्राई करते हुए, तो आप जल्दी से आपका जो है ना प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाता है, वरना काफ़ी देर लगती है, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप यूज़ इस तरह ये टिप यूज़ करें। ये देखें आहिस्ते आहिस्ते से ब्राउन होना शुरू हो गया है लाइक दिस, लेकिन अभी भी हमने इसको फ्राई करते जाना है ज़्यादा सारा, बहुत ही खूबसूरत सा जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है ये इस तरह का, ये आने तक हमने इंतज़ार करना है, हिलाते जाना है इसको। अब हमारे प्याज जो उनसे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, इसके बाद हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखें इस तरह करके हम मिक्स करी जा रहे हैं, भुनी जा रहे हैं, इसके अंदर जो सा इसको अब हम ना थोड़ी देर के लिए दो से पाँच सेकंड के लिए हमने इसको दम दे देना है। अब मेरे पास यहाँ पे मसाले हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ये मसाला, ये थोड़ा सा चार गोश्त मसाला लिया था, ये ज़ीरा लिया है, मिर्चें ली हैं, नमक लिया और एक कनौर क्यूब ली है। अब सबसे पहले जो ज़ीरा था वो मैं इसके थर्ड स्टेप में इस तरह करके डाल दूंगी, ये भी भून जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने लगता था। हल्का सा पानी डाला, इसको मिक्स किया और इसको बाद में हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि इसका टेस्ट डबल हो जाए। ये देखिए ढक दिया हमने। आज जो से मटर थे वो बॉयल हो गए हैं, अब ये देखें इतने से इस तरह के बॉयल करने, ना बहुत ज़्यादा गल जाए ना ही हार्ड हो। देखें इसको तोड़ें तो हाफ बॉयल हाफ अनबॉयल इस तरह के मटर आपने इस्तेमाल करने हैं।
हम मैंने 2 मिनट के बाद जो सा इसका ढक्कन उतार दिया। इसको मसाला, ये देखें कलर होता जा रहा है चेंज। इसके बाद सबसे पहले मैंने मटर डाला है। अब आप कह रहे होंगे कि बॉईल भी किए हैं और फिर दोबारा मैं इस तरह सबसे पहले मटर ही डाल रही हूँ। वो इसकी रीज़न ये है कि मैंने एक तो फ्रीज़ किए हुए थे मटर। फ्रीज़ किए हुए मटर आप हमेशा फ्रिज से निकाल के पहले इसको थोड़ा सा बॉयल करें और उसके बाद इसको भुने। जैसे 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 इसको भुनते जाएंगे इसका जो सा कलर और खिलता जाएगा, मटर और खिलते जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अभी फ्रेश मटर निकाल के आपने इस्तेमाल किए हैं। ये देखें मैं अच्छी तरह से इसको भुनना शुरू कर दूंगी। ये देखें खिले हुए मटर जो उनसे हैं लग ही नहीं रहा कि फ्रीज किए हुए मटर आप इस्तेमाल किए हैं। इस तरह अब सर्दियों में लेके अब गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। फ्रीज किए हुए मटर आसानी से जायका बिल्कुल ही फ्रेश मटरों जैसा आता है। मैं अच्छी तरह से इसको भूनती जाऊंगी। ये मैंने भून लिया, उसके बाद ये सारी जैसी चीज़ें मैंने काटी हुई थी एक साथ ही मैं डाल दूंगी। अब बाकी सब्जियां भी मैंने क्यों नहीं डाली, क्योंकि मटर सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, उससे कम आलू टाइम लेते हैं, और उससे एंड पे मैं जो है गाजरें डालूंगी, क्योंकि गाजरें सबसे कम टाइम लेती हैं गलने में। हल्का सा पानी डाला, साथ साथ पानी डालते जाए ना, हल्का हल्का सा लगाते जाए ताकि वो हांडी नीचे ना लग जाए, आपका मसाला जलना शुरू हो जाए। ये देखें ये मटर जो से हैं ये तो भुने जा रहे हैं, साथ साथ जो सा टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। जब पता चल गया कि होना शुरू हो गया फिर उसके अंदर हमने आलू डाल देने, क्योंकि आलू हमने ज़रा मोटी शेप में काटे थे तो इसलिए हम इसको भी साथ ही डाल देंगे। अब देखें आप नोट करें कि मैंने इसमें अभी मसाले वगैरह नहीं डाले, सिर्फ ज़ीरा डाला था। मसाले हम डाल देते हैं और फिर साथ साथ भूनते जाते हैं, सब्ज़ी भूनते जाते हैं, तो वो मसाले की कड़वाहट सी जो है ना वो हांडी में आ जाती है। जब मुझे पता चल गया कि आलू भी गलना शुरू हो गया, मटर भी मसाला बनने लग गया, उसके बाद मैंने ये मसाला जार जो है ना ये सारे डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको भूनना शुरू कर देना है। पानी लाजमी आपने डालना है, क्योंकि ये जब हम मसाला डालते हैं ना, सारे चीज़ें डालते हैं नमक वगैरह, तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है मसाला। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है आलूओं का भी मटर का भी, ग्रेवी कितनी खूबसूरत सी बन रही है, मज़ेदार सी, देखने में मज़ेदार सी लग रही है। अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। जब हमें बिल्कुल लग गया कि पता चल गया कि मसाला वगैरह भी तैयार हो गया हमारा इसने, ये देखें और मटर भी हमारे गल गए हैं, आलू भी हमारे गल गए हैं, उसके बाद आपने जो है गाजरें डालनी है। कि गाजरें बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेती हैं, अगर आप ज़्यादा देर पहले ही आप गाजरें डाल देंगे तो वो बहुत ही अजीब तरह सा उसका लुक आएगी और जायका भी मीठी मीठा सा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे एंड में डालेंगे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट से भी कम इसको वैसे टाइम लगता है। ये देखिए हमने डाला और अच्छी तरह से हमने ना इसको मिक्स करते जाना है, भून लेना है हल्का सा 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जो है इसको कवर अप कर देना है ताकि वो गाजरें जो सी है वो भी गल जाएँ। ये मैंने ढक दिया। अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ना ज़्यादा गली है ना ही कच्ची है, हर सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गई हुई है। तो इसके बाद हमने अब जब हमारा मसाला तैयार हो गया, मेरे 1 kg राइस थे मैंने उसी के मुताबिक जो है इसमें पानी डाल दिया। नए चावल होते हैं उसमें पानी कम डालता है, पुराने चावल होते हैं उसमें पानी ज़्यादा डालता है। आप जो मर्ज़ी चावल लें उसको अपने अकॉर्डिंग जो है पानी डाल लें। इसके बाद जब मुझे लगेगा कि पानी उबलना शुरू हो गया, उसमें मैंने ये चावल जो से भिगोए हुए थे वो मैंने इसमें चावल डाल दिए। आप इस स्टेज पे आके ना आप चेक कर लेना नमक मिर्च आपकी कम तो तेज़ तो नहीं है, तेज़ का तो अब आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कम हो नमक वगैरह तो वो और ऐड कर दें, और इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल देंगे तो चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे आपके। विनेगर का आधा चम्मच जो है ना वो डाल देंगे तो बिल्कुल नहीं गलेंगे, वो चिपकेंगे। ये देखें ये अब बॉइल्ड होना शुरू हो गया है, पानी चावल आहिस्ता से ये पानी खुश्क हो गया हमारा। ये एक चीज़ बताती जाऊँ, नए चावलों में पानी कम डलता है लेकिन जब आपने दम देना हो तो इतना इतना सा पानी रह जाए फिर आप दम दें, क्योंकि पानी हमने पहले कम डाला होता है। नए चावलों में पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो गल जाएंगे, कम डालेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे, लेकिन इस साथ जब हमने दम देना हो इस स्टेज पे आके हमने इतना इतना पानी लेना, तो फिर किसी
कपड़े को गीला करके इसको दम दे देना है 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे। अब ये देखें कि मेरे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मैंने ये दम खोल दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें नए चावल थे, बिल्कुल भी नहीं जुड़े, और इनका कलर देखें, हर चीज़ का, हर सब्ज़ी का, चावल देखें अलग अलग हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मटर, आलू वगैरह ये सब कुछ जो सा है वो बहुत अच्छी तरह से गल गया। ये देखें इन चावलों, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे हों बड़े हों सब शौक से खाएंगे, लाजमी नहीं है हर चीज़ में चिकन डाला जाए। ये देखें कोई भी सब्ज़ी, जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, सब्ज़ियाँ नहीं खाते, वो इस तरह करके आप चावल में चावल पुलाव बना के सब्ज़ियों का वो डाल दें। ये देखें मटर कितने अच्छे गल गए, आलू कितने अच्छे गल गए, ये हमारे चावल रेडी हो गए। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, मैं इस रेसिपी से बनाती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद